नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करें तो एक्सिस बैंक लिमिटेड की बात करेंगे इस वीडियो में। और स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 673 में है। इसका जो 52 वीक हाई है 866.90 रुपया 25 अक्टूबर 2021 को बनाया था, और 52 वीक लो है 594 रुपया 24 दिसंबर 2020 को बना था दोस्तों। तो देखिए, ऊपरी लेवल से स्टॉक में गिरावट है, और 27/12/2021 का जो ट्रेड रहा है इसमें लोअर लेवल से रिकवरी आई है। और जो RBI बैंक में एक तरह से गिरावट थी 27/12/2021 को, तो बैंकिंग स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावट थी, बट ये कि जो बड़े स्टॉक्स हैं उनमें रिकवरी आई है। तो उसमें से एक्सिस बैंक का भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया है, और इसका तीसरी तिमाही का रिजल्ट निकलेगा 24 जनवरी 2022 को। इसका फाइनेंशियल रिजल्ट निकलेगा Q3 का। तो आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हलचल रह सकती है। नया साल आ रहा है और तीसरी तिमाही के रिजल्ट 24 जनवरी 2022 को इसका तीसरी तिमाही का रिजल्ट आएगा। अच्छा रिजल्ट पेश करना चाहिए एक्सिस बैंक को, बट ये कि पिछले अक्टूबर से अगर हम बात करते हैं तो इसमें गिरावट रही है, लगभग 200 पॉइंट की गिरावट रही है और ऊपरी लेवल से फिसला है। तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार लेवल्स की बात करते हैं इस वीडियो में दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। एक्सिस बैंक लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, डेली कैंडल्स हैं। देखिए, अगर इसका हम चार्ट देखते हैं और पिछले दो महीने की बात करते हैं तो अक्टूबर के महीने में 866.90 रुपये का हाई बनाया, वहाँ से गिरावट आई, नीचे की तरफ आया स्टॉक और लगभग 648 रुपये लो बनाया। और टाइम था देखिए 30/11/2021 को, यानी मैं दिसंबर के महीने में इसने 648 और ऊपर की तरफ की बात करते हैं तो 721.95 रुपये। तो इस तरह का इसका ट्रेड रहा है। और स्टॉक अब देखिए आज ग्रीन कैंडल बनाया है, 672.15 रुपये में क्लोजिंग आई है, लो बनाया 656.25 रुपये। तो दोस्तों एक तरह से जो सपोर्ट है इसका 650 का रहेगा अभी, और ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि स्टॉक में गिरावट है, बेरिश मोड है और थोड़ा सा दबाव है इसमें, जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स टूटे हैं पिछले दो महीने के अंदर, तो दबाव रहेगा। और ऊपर की तरफ देखिए अब ये अगर 683.65 रुपये के ऊपर निकलता है तो 694.35 रुपये तक जाता हुआ दिखेगा, और 694 के ऊपर अगर क्लोज होता है, क्योंकि देखिए अब थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर की तरफ जाने में, और जितने भी लोग ट्रैप हुए हैं तो वो निकलने की कोशिश करेंगे जो कुछ समय के लिए ट्रेड लेते हैं। तो 694 के ऊपर अगर क्लोज होता है, 700 के आसपास क्लोजिंग देता है, तब ये स्टॉक हमें लगभग 720 से 725 तक जाता हुआ दिखेगा तीसरी तिमाही के रिजल्ट तक दोस्तों। और इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, समझे कि इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तब इसमें एक का बुलिश मोड बनेगा, और ऊपर की तरफ लगभग ये 750 से और 770 तक जाता हुआ दिख सकता है। कहने का मीन्स ये यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ऊपर की तरफ, 90 to 100 points ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। में एक तेजी बनने की संभावना रहेगी। मार्केट में अगर करेक्शन होता है, जो इश्यूज बने हुए हैं थोड़ा बहुत अगर उसके कारण करेक्शन होता है, तो 650 का इसका सपोर्ट है, उसको ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता हुआ दिख सकता है, 30 तक आता हुआ दिख सकता है। बट इसमें बाइंग भी बहुत तेजी से आ जाएगी, जैसे कि आज ही हमने देखा जो RBI की न्यूज थी उसके वजह से बैंकिंग स्टॉक्स भी टूटे थे, और एक्सिस बैंक भी नीचे की तरफ था, 656.25 रुपये लो बनाया था, तो ऊपर की तरफ गया और अपने हाई के आसपास क्लोजिंग है, इसीलिए ग्रीन कैंडल है दोस्तों। और इसके ऊपर 725-730 के ऊपर क्लोजिंग होती तो एक तेजी और रहेगी। बट जिनके पास समय है, जो यहाँ पे ट्रैप हो गए हैं, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों ये जो हाल फिलहाल का चार्ट बना हुआ है, पिछले दो महीने का जो चार्ट बना हुआ है उसके अनुसार लेवल्स थे। इसका जो तीसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, फाइनेंशियल रिजल्ट आ रहा है 24 जनवरी 2022 को आ रहा है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।